नमस्ते, मैं आर्यन देशमुख। आज हम बात करेंगे शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर के बारे में, जो कि पूरे प्रदेश का, यानी पूरे देश का उच्च शिक्षण गुणवत्ता वाला संस्थान है, जो कि बहुत से अच्छे अच्छे बच्चों को अपने विद्यालय से, अपने महाविद्यालय में हर वर्ष शिक्षा देता है एवं उन्हें अपनी ज़िंदगी में उनके भविष्य को उज्ज्वल कराता है। एक ऐसा महाविद्यालय, चलिए इस महाविद्यालय की छोटी सी झलक देखते हैं। मध्य भारत में उदार शिक्षा के बेहतर प्रोत्साहन के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना होगी, जिसे जाना माना जाएगा होलकर कॉलेज। वर्तमान होलकर विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना 10 जून सन 1891 को महाराज शिवाजी राव होलकर ने की। अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, फारसी, तर्कशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, गणित और विज्ञान की स्नातक शिक्षा को समर्पित यह ऐतिहासिक महाविद्यालय अपने प्रारंभ में कलकत्ता से, फिर इलाहाबाद, आगरा और विक्रम विश्वविद्यालय के बाद सन 1964 से निरंतर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से संबद्ध रहा। सन 1985-86 में मध्य प्रदेश शासन ने होलकर कॉलेज को आदर्श महाविद्यालय का दर्जा दिया और सन 1989 से यह संस्थान एक स्वशासी स्थापना है। अगस्त 2001 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानन परिषद नैक ने होलकर महाविद्यालय को 3 सितारा दर्जे से नवाजा। इस गौरव को प्राप्त प्रदेश का यह एकमात्र संस्थान शैक्षणिक वर्ष 2001-02 से निरंतर राज्य शासन का उत्कृष्टता केंद्र अधिमान्य है। सन 2016 में नैक ने इस महाविद्यालय का पुनर्मूल्यांकन कर आगामी 5 वर्षों के लिए ए ग्रेड से सम्मानित किया। तो अब हम बात करते हैं इस महाविद्यालय के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स के बारे में जहाँ पर इस महाविद्यालय में पढ़ाई की जाती है कॉलेज में। तो चलिए आपको कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में बताते हैं। आप लिस्ट देख सकते हैं, जैसे जो आप लिस्ट दिख रही है, इसमें बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिशरीज, फॉरेंसिक साइंस, जूलॉजी, हॉर्टिकल्चर, लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी एंड सेंट्रल लाइब्रेरी भी यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ा पुस्तकालय है जहाँ पर अब बहुत से बच्चे, समथिंग 500 से 600 बच्चे जो एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। एंड जो प्लेसमेंट सेल, जो कि प्लेसमेंट आती है, कंपनियाँ आती है फाइनल ईयर में, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अब हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी जो अधोसंरचना होती है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो यहाँ पर एक कैंटीन है, 4 2-व्हीलर्स स्टैंड है, पार्किंग स्टैंड है, स्पोर्ट में फुटबॉल कोर्ट वगैरह है, SBI का एक बैंक है, ब्रांच है, ताकि बच्चों को, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें किसी काम के लिए बाहर किसी और बैंक में जाना ना पड़े, इस कॉलेज में ही काम हो जाए। मेडिकल डिस्पेंसरी है, एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कह सकते हैं, छोटा सा एक हॉस्पिटल टाइप है, जो कि कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए हमेशा उपलब्ध है। हम बात करें कुछ अवार्ड्स एंड मनी की, जो थोड़े अवार्ड मनी प्राइज होते हैं, प्राइज मनी टाइप से, यहाँ पर समथिंग 30 टाइप ऐसे अवार्ड है जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। थोड़ा फैसिलिटीज़ की बात करें, जो कॉलेज में अवेलेबल है, वह कुछ लाइब्रेरी है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी आपको बताया स्टार्टिंग में, NCC, NSS है, रेड क्रॉस, इको क्लब है, हॉस्टल्स है, बॉयज़ हॉस्टल, SBI बैंक है, आपको जो आपको बताया, प्राइमरी हेल्थ जो भी आपको बताया, एक छोटा सा हॉस्पिटल है, सेंटर जैसे कि हम बात करें, व्हीकल स्टैंड जो अभी पार्किंग स्टैंड है, स्पोर्ट्स क्लब है, यहाँ पर कोर्ट्स है, स्कॉलरशिप एंड फी सिप भी वगैरह यहाँ पर मिलती है, एंड कल्चरल सेंटर है, यहाँ पर बहुत से कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं प्रतिवर्ष, एंड कैंटीन एंड स्टॉक क्वार्टर्स। कॉलेज में अभी वर्तमान में लगभग 5 से 6 ऐसी बड़ी वाली बिल्डिंग्स है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि लाइब्रेरी बन रही है, केमिस्ट्री लाइब्रेरी और पुस्तकालय, और जो कि एक ऑडिटोरियम होता है, बहुत लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चों के लिए, ऐसी जनसंख्या इसमें एक साथ आ सके, तो ऐसे ऑडिटोरियम भी बन रहे हैं। तब कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत मजबूत है और कॉलेज समथिंग 36 एकड़ में फैला हुआ है। तो इसी तरीके से यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस पर हमने वीडियोस बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके ज़रूर देखें यदि आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।